सर मॉर्निंग, कल भी हम स्ट्रेंथ लेकर ही बंद हुए हैं, लेकिन जिस तरह के क्यूज दिख रहे हैं आज क्या करना है, एक्सपायरी का भी दिन है, तो क्या सलाह होगी निफ्टी, बैंक निफ्टी कौन से स्तरों पर रखनी है नजर? गुड मॉर्निंग नेहा, देखिए संकेत दुनिया भर के बाजारों से हल्की कमजोरी का, ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज्यादा कमजोर हुए हो, फर्क सिर्फ इतना है कि भारतीय बाजार पिछले 3 दिनों से बढ़ रहे हैं, तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग एक्सपायरी के दिन आ सकती है, थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी रह सकती है, और उसमें कुछ गलत भी नहीं है। पिछले 4 दिनों से बढ़ रहे हैं, 3 दिन नहीं 4 दिन से हम लगातार पॉजिटिव बंद हो रहे हैं। सो मेरा ये मानना है कि कमजोर शुरुआत होने के बाद निचले स्तरों पर सपोर्ट मिलेगा, हल्की फुल्की खरीदारी आएगी, बहुत ज्यादा गैप से खुले तो तुरंत, और कम गैप से खुले तो थोड़ा नीचे आने के बाद, सपोर्ट लेवल के आसपास आने के बाद वहां से खरीदारी का मौका बन सकता है। FIs के आंकड़े मिले जुले हैं, कैश में बिकवाली की तो वायदा कारोबार में उससे कहीं ज्यादा खरीदारी भी की, तो ऐसी कोई चिंता की बात वहां पर है नहीं। लोकल फंड अपनी ताकत से खरीद ही रहे हैं, तो फ्लोज के लिए आज से संकेत ठीक है। सो ओवरऑल अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि कहीं कोई चिंता की बात है नहीं बाजार में। तो सपोर्ट जो अब बाजार के लिए है वो है 22,300 ये वो लेवल है जो आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। ऊपरी स्तर पर 22,450 से 22,550 की रेंज आपके लिए रुकावट का काम कर सकती है। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 47,948-48,025 ये बैंक निफ्टी के लिए आपके लिए एक सपोर्ट रेंज के तौर पर है, और ऊपरी स्तरों पर 48,300 से लेकर 48,475 की रेंज है जहां पर बैंक निफ्टी रुकता हुआ आपको नजर आ सकता है। तो इन रेंज पर, इन लेवल्स पर आपको रखनी है नजर। मंथली एक्सपायरी का दिन है, थोड़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, लेकिन ओवरऑल बाजार में सीमित दायरे का कारोबार रहेगा। कमजोर शुरुआत होने के बाद बाजार एक छोटी सी रेंज में रहने चाहिए, फर्स्ट हाफ ऐसा रहेगा, सेकंड हाफ में जरूर थोड़ा सा पोजीशन के लिहाज से उतार चढ़ाव बढ़ सकता है। नतीजों के लिहाज से बड़ा दिन रहा है, कल बाजार बंद होने के बाद ढेर सारे रिजल्ट आए और ज्यादातर रिजल्ट कमजोरी की तरफ है, तो मिड कैप शेयरों में स्पेशली थोड़ा नतीजों के दम पर थोड़ा कमजोरी का रुझान रह सकता है, प्रेशर रह सकता है। आज भी रिजल्ट के लिहाज से बड़ा दिन है, तो सेक्टर और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए। वैलिड पॉइंट्स सर, धन्यवाद हमारे दर्शकों को दिशा देने के लिए। तो क्लियरली नतीजे बहुत सारे निकल कर आ रहे हैं, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है, इंडाइसेस में एक्शन है, तो वहां पर भी आज फोकस रहने वाला है, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि निफ्टी बैंक निफ्टी में आपको क्या करना है जो सर ने बताया।